हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा टॉपिक है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 8, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, लास्ट क्लास में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। माय नेक्स्ट टॉपिक इज पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसकी लोकेशन क्या है और इससे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, इसकी जो लोकेशन है वो होती है लोकेशन अबव हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ठीक ऊपर होती है, बिलो हाइपोथैलेमस, अबव बिलो हाइपोथैलेमस। ये ऊपर आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो कनेक्ट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ये यहाँ पे इनफंडिबुलम रीजन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो देख रहे हैं आप सर्कुलर आउटलाइन पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें दो लोब होती है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो लोकेशन बिलो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में सबसे पहला है नंबर वन इज जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन्स में एलएच एंड एफएसएच आते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पे डीएसएच, एसीटीएच, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। डीएसएच मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद आई विल कम टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो। लिसन केयरफुली अबाउट ग्रोथ हार्मोन। जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन और एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, मतलब बात एक ही है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन को। तो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इसका जो मेन फंक्शन है इट स्टिमुलेट ग्रोथ इन योर बॉडी, ठीक है, आपकी बोन्स के इलोंगेशन में हेल्प करता है, आपके स्टेचर हाइट बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जितनी भी ओवरऑल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर वो सब ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का जो प्राइमरी रोल है स्टिमुलेट दी
ग्रोथ इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, यू नो एक होता है हाइपर सिक्रेशन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसको आप जाइगेंटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म। देयर इज एन डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से जाइगेंटिज्म हो जाता है। जाइगेंटिज्म पे क्या होता है, इंक्रीज एक्सेसिव हाइट, हाइट एक्सेसिव बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज लेंथ ऑफ लिम्स, लिम्स की लेंथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे ही हाइपो सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, हाइपो सिक्रेशन की वजह से, हाइपो सिक्रेशन यानी कि अगर कम सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, हाइट कम हो जाती है, आदमी बौना हो जाता है, शॉर्ट स्टेचर। ये हाइपोसिक्रीशन और ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की कमी है, शॉर्ट स्टेचर, बाकी उसका मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद अगला जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ध्यान दीजिए अबाउट प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन, अगर बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में PRL भी इसको कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो रोल है वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के बाद उसमें वो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग कराना स्टार्ट करती है, और मिल्क फीडिंग कराती है ब्रेस्ट रीजन से। तो जो ब्रेस्ट होता है उसमें जो मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। वो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड, प्रमोट मिल्क सिंथेसिस इन मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करने का काम करता है prolactin hormone. So this hormone promote the synthesis of milk in the mammary gland, and that milk provide the nourishment to the young ones. So this is the role of prolactin hormone. Right? Prolactin के बाद जो अगला hormone है TSH. TSH मतलब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका क्या रोल है, ये स्टिमुलेट द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है जिससे कि थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। ऐसे ही तो TSH स्टिमुलेट थायरॉइड ग्लैंड, और जिसकी वजह से थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन आई विल डिस्कस इन डिटेल। ऐसे ही एक हार्मोन है जिसे आप कहते हैं ACTH, यानी कि एड्रिनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। ये जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट
एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है ना। एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट दी कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन को सिक्रीट करती है। अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन आई विल डिस्कस इन डिटेल, है ना, ध्यान दीजिए। तो यहां पे होता क्या है, लिसन केयरफुली, ACTH जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। अबाउट द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल आई विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। सो दिस इज अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इसके बाद ठीक है, गोनेडोट्रोफिन बता चुका था आपको, हाइपोथैलेमस में उनका क्या रोल है। गोनेडोट्रोफिन्स में एक LH निकलता है, दूसरा FSH निकलता है। LH की वजह से फीमेल में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, FSH की वजह से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है ना, और मेल में LH की वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। ये सब मैं बता चुका था अबाउट टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनके फंक्शन में डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। इसके बाद क्या है यहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स क्या क्या है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। नाउ सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं वो दो हॉर्मोन्स होते हैं, देयर आर टू हॉर्मोन्स सिक्रीट फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, टू हॉर्मोन्स एग्जैक्टली, दीज टू हॉर्मोन्स आर हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, इनको आप हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन भी कहते हैं। दीज बोथ हॉर्मोन्स, बोथ हॉर्मोन्स सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड में सिंथेसाइज करते हैं, बट सिक्रीट फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रहे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दोनों हार्मोन हैं, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड में सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है वो हाइपोथैलेमस से नहीं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। और ये दो हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, नंबर वन ऑक्सीटोसिन एंड नंबर टू इज एडीएच, एडीएच मतलब एंटी डाइयूरेटिक हॉर्मोन्स। सो द हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, but these are exactly hypothalamic hormone because these synthesize in hypothalamus gland but secrete from posterior pituitary gland, so we can consider them these hormones that secrete from posterior pituitary, hai na। to yahan pe what is next is now I'm going to discuss about the functions of oxytocin and ADH jisko aap anti diuretic hormone bolte hain, inke फंक्शंस क्या क्या है, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल नाउ। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस आल्सो, ऑक्सीटोसिन
ठीक है। ऑक्सीटोसिन के काफी सारे नाम है। ऑक्सीटोसिन को आप इसका जो प्राइमरी रोल है इसको आप पार्चुरेशन हार्मोन भी कहते हैं। पार्चुरेशन दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड आफ्टर द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बाद एक फेज आता है जिसमें कि चाइल्ड की डिलीवरी होती है, उस प्रोसेस को आप पार्चुरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो बी नोन एज पार्चुरेशन हार्मोन। इसके फंक्शंस क्या है? इसका पहला फंक्शन है स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, खासकर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये इसका प्राइमरी रोल है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स, आपकी यूटेरस भी स्मूथ मसल से बनी होती है, तो ये स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड डिलीवरी टेक प्लेस, बच्चे की डिलीवरी होती है, एंड इस प्रोसेस को आप पार्चुरेशन कहते हैं। सो दैट्स वाई पार्चुरेशन, दैट्स वाई इस हार्मोन को आप पार्चुरेशन हार्मोन कहते हैं, सो कॉल्ड इट पार्चुरेशन हार्मोन। इसलिए इसको पार्चुरेशन हार्मोन भी कहा जाता है, right. इसके अलावा सेकेंड इज स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मदर क्या करती है, मिल्क इजेक्ट करती है, इससे कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो ये मिल्क इजेक्शन को भी प्रमोट करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ फीडिंग ऑफ चाइल्ड। तो इसलिए इसको सो कॉल्ड इट मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्ट करने का काम करता है। मिल्क सिंथेसिस तो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रमोट करता है इन द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल, बट मिल्क इजेक्शन जो कराता है वो ये ऑक्सीटोसिन कराता है, तो कराता है, तो इसको आप मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? ओवर बात समझ आ रही है? सो दिस इज अबाउट द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, है ना। इसका प्राइमरी रोल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, इससे कि यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होती है, इसलिए इसको पार्चुरेशन हार्मोन कहते हैं। ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क इजेक्शन होता है, इसलिए इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। इसके बाद जो अगला हमारा हार्मोन है दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको आप वासोप्रेसिन भी कहते हैं। इसके क्या फंक्शन है ये जान लीजिए, लिसन केयर। ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को आप वासोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, वासोप्रेसिन हार्मोन। इस हार्मोन के जो मेजर फंक्शंस है क्या क्या है? इसको वासोप्रेसिन इसलिए कहा जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, प्रेस मतलब प्रेस करना, ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। तो प्रेस दी ब्लड वेसल, इसलिए इसको वासोप्रेसिन कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट दी ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको वासोप्रेसिन कहते हैं। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रिवेंट दी एक्सिस लॉस ऑफ वाटर, एक्सिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वाटर के एक्सिस लॉस को भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है, प्रिवेंट द एक्सिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी,
बॉडी से एक्सिस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने का भी ये हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन रोल प्ले करता है, जिससे कि बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके। तो ये क्या काम करता है, प्रमोट दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है इन किडनी, हमारी किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने का काम करता है ये एंटी डायुरेटिक हार्मोन, या इसको वासोप्रेशन हार्मोन कहते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल्स, प्रिवेंट दी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी एंड प्रमोट दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन दी किडनी, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को भी ये प्रमोट करने का काम करता है। दिस इज ऑल्सो दी रोल ऑफ दिस हार्मोन वासोप्रेशन और ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन जिसे आप कहते हैं। इसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है वो मैंने आपको बता दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीनियल ग्लैंड, अबाउट वॉट पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट मैं पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली अबाउट दी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, दिस इज लोकेटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पे इसकी लोकेशन होती है। इस ग्लैंड का दूसरा नाम इपीफाइसिस भी इसको आप बोल देते हैं, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, dorsal side of forebrain, this is the location of epiphysis or pineal gland, ठीक है, this is the location, है ना। इसके अलावा dorsal side of forebrain, इसके अलावा इसके जो major functions है वो क्या क्या है, I'm going to discuss, इसके जो major functions है ये delay सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी को ये डिले कर देता है, राइट, और यू कैन से प्यूबर्टी भी आप कह सकते हैं, प्यूबर्टी को भी ये डिले करने का काम करता है। दिस इज ऑल्सो द रोल ऑफ पीनियल ग्लैंड, डिले सेक्सुअल मेच्योरिटी और द प्यूबर्टी। इसके अलावा ये क्या रोल प्ले करता है इस, हाँ सॉरी मैं ये तो बताना ही भूल गया आपको कि हॉर्मोन्स कौन सा सिक्रीट होता है। इससे सिक्रीट होने वाला जो हॉर्मोन है वो है मेलेटोनिन, कौन सा हॉर्मोन है मैं इसको हाईलाइट करता हूं, मेलेटोनिन हॉर्मोन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हॉर्मोन, ये मेलेटोनिन हॉर्मोन के फंक्शंस है। तो मेलेटोनिन हॉर्मोन का फंक्शन है डिले सेक्सुअल मेच्योरिटी, जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट करता है। इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट मेंटेन्स द रिदम ऑफ 24 आवर्स ऑफ बॉडी, 24 घंटे की बॉडी की जो रिदम है, किस टाइम आप सोते हैं किस टाइम आप उठते हैं, वो बॉडी की रिदम को मेंटेन करने का काम करता है ये हार्मोन, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है मेलेटोनिन को, और ग्लैंड को भी बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं बिकॉज इट सीक्रेट मेलेटोनिन। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है दैट कॉज ऑफ लाइट कलर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, स्किन के लाइट कलर कॉम्प्लेक्शन को भी ये प्रमोट करता है। इसको आप स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी में स्लीप को भी इंड्यूस करता है, इट ऑल्सो इंड्यूस द स्लीप इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर
स्लीप इंड्यूस करने का काम करता है ये, राइट, इसलिए इसको स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पिनियल ग्लैंड एंड दिस इज ऑल अबाउट मेलाटोनिन हार्मोन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड एंड आफ्टर दैट पैराथायराइड ग्लैंड। अबाउट थायराइड ग्लैंड आई विल डिस्कस इन डिटेल इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।